हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी रेसिपीज़। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और झटपट बन जाने वाली ये आलू पनीर की भुर्जी। ये बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। चलिए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए, ये कढ़ाई गर्म हो गई है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, करीब आधा बड़ा चम्मच हमने इसमें तेल डाला है। तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, देखिए। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा। जीरा चटकने देंगे। अब डालेंगे इसमें लहसुन की कलियाँ, 2-3 लहसुन की कलियाँ, इसे हमने बारीक काट लिया है। इसी के साथ डाल देंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अब इन मिर्च को और लहसुन को हम थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे, बस 30 सेकंड फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज को बढ़िया फ्राई कर लेंगे। प्याज को बढ़िया गोल्डन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। ये प्याज देखिए हमारे हल्के हल्के से गोल्डन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब हम इसमें डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ आलू। आलू को देखिए अच्छे से फ्राई करेंगे। आलू को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से पक ना जाए, तब तक इसे हम फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू को पकाते हुए हमें 3-4 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, आलू को टच करते ही ये टूट जा रहा है, इसका मतलब ये आलू हमारा बहुत अच्छे से देखिए कुक हो गया है ना। अब देखिए इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, 1/4 चम्मच से भी कम है, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच, थोड़ा सा धनिया का पाउडर 1/4 चम्मच, और नमक भी डाल देंगे सिर्फ 1/4 चम्मच। आप नमक अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1 टमाटर बारीक काट कर, ये टमाटर डाल के हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, ये पनीर हमने घर में ही बनाया है और इसे मैंने कपड़े में बांध कर इसका पूरा पानी नहीं छोड़ा है, बस ऐसे ही छन्नी से छान लिया है। ये पनीर अब इसमें डाल देंगे। इस पनीर को आलू टमाटर के साथ बढ़िया मिक्स कर लेंगे और अब इसे हम ढककर पकने देंगे 3-4 मिनट। ये 3-4 मिनट हमने इसे ढककर पका लिया। टमाटर अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें डालेंगे हम 1/4 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे इसके ऊपर बढ़िया ताज़ा हरा धनिया। धनिया को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी और झटपट बन जाने वाली ये आलू पनीर की भुर्जी रेडी है। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।